तो आज हम है ना जो हमारे जो PC 20 का पेपर है उसी सीरीज में दो कॉन्ट्रैक्ट अपने बच रहे हैं। एक तो दो कॉन्ट्रैक्ट दो सॉरी दो एक्ट हमारे बच रहे हैं, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बाकी एक्ट हम पढ़ चुके हैं, कुछ एक्ट्स के तो MCQ भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, बाकी एक्ट्स के भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट में वैसे तो 266 सेक्शंस हैं जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हटा दिए गए हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 to 30। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के लिए इतने सेक्शंस काफ़ी है, क्योंकि अगर ये पूरा एक्ट पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक्ट हो जाएगा। और जहाँ तक कोशिश ये रहेगी कि जो 1 से 30 सेक्शंस है वो इसका क्या है बेसिक पार्ट्स है, और क्वेश्चन जनरली वहीं से पूछे जाते हैं। और बाकी अगर आपको लगे कि पूरा एक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने सेक्शंस इनफ है। आज बहुत लंबे समय के बाद क्या है वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि मतलब परिस्थितियां बदलती रहती हैं इंसान की। पहले क्या सब कुछ नॉर्मल था, अब क्या है डॉक्टर हो गई तो मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर आप वीडियोस नहीं बना रहे वीडियोस नहीं बना रहे। तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले है ना बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दूँ जिससे आपको हेल्प मिले। और जो अपना एग्जामिनेशन 1 हुआ था 21 का, उसका जो PC 20 पेपर था ना वो काफ़ी इजी आया था, और सब ऐसे कह रहे थे कि जो मैंने पढ़ाया है उसके लगभग आसपास ही सब पूछा गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ स्पेशल कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बुक में जो लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत आप पढ़ना चाहो तो आप इतना पढ़ सकते हो कि आप इस एक्ट पे या फिर सभी एक्ट पे मास्टर बन सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मास्टर नहीं बनना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है कि हमारा पेपर क्या है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जितने भी शायद 2 पार्ट या 3 पार्ट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्या कुछ तो चीज़ें रहेंगी मेमोरी बेस्ड, जैसे सेक्शंस है वो आपको क्या मेमोरी बेस्ट रहेगी, और कुछ चीज़ें कैसी रहेगी, कुछ चीज़ें क्या रहेंगी आपको मेमोरी बेस्ड, कुछ चीज़ें आपको क्या है कि प्रैक्टिकली सोचनी है इसमें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी उससे हो जाएंगे और उससे समझ में भी आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो हमें क्या है बहुत सारी चीज़ें तो रटनी पड़ेगी जो कि हर एक्ट की बात होती है, सेक्शन से आपको रटना ही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने को क्या है समझनी भी है, उनको रटना नहीं है। तो अब ये एक्ट शुरू करेंगे अपन। तो सबसे पहले सेक्शन 1 देख लीजिए। सेक्शन 1 हमेशा एक ही होता है सभी एक्ट्स में, टाइटल क्या है उसका और इफेक्टिव कब है। तो इसको क्या कहेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। कब एप्लीकेबल हुआ ये, 1 सितंबर से ये एप्लीकेबल है। इसके आगे सेक्शन 2, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे बढ़ते हैं, उससे पहले समझ लेगी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट है कि एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट क्या है कि एक बंदा है, जैसे मान लीजिए राम जी थे, उन्होंने क्या किया सीता जी को ऑफर दिया, राम ने सीता को क्या किया ऑफर दिया, क्या कि आप मुझसे शादी करोगे क्या। तो सीता जी ने वो क्या किया एक्सेप्ट किया, तो ऑफर दिया, और जिनको दिया उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो मिलके एग्रीमेंट बन जाता है, और उसके बाद अगर इनकी शादी हो गई तो फिर वो क्या हो गया लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो गया, तो वो क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये समझने के हिसाब से बात चल रही है यहाँ पे।
तो अगर कोई एग्रीमेंट, उसमें ऑफर और प्रपोजल एक ही बात है। राम जी ने सीता को क्या किया, प्रपोजल दिया कि मैं आपसे शादी, आप उससे शादी करेंगी, उन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। और अगर एग्रीमेंट क्या हो जाए, लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो जाए, अगर उस पर लॉ का ठप्पा लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये सिंपल सिंपल शब्दों में यही बात है, बाकी इसकी डिटेलिंग हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अब सबसे पहले हम डेफिनेशंस शुरू करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे ऑफर की। सबसे पहले क्या होगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए कि जो ऑफर दे रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑफरर, जिसने ऑफर दिया है। जैसे अभी राम ने सीता को ऑफर दिया था, तो राम क्या है, ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया, सीता को ऑफर दिया था, तो वो क्या थी, ऑफरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ए ने बी को कहा है कि मुझे अपनी कार बेचनी है, कितने में, 3 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे। दूसरा पॉइंट देखिए आप कि ए और बी है, तो ये दोनों जा रहे थे, ये कार लेके जा रहा था, ये स्कूटर लेके जा रहा था, कैसे बनेगा, जैसे भी है, तो इनमें क्या हो गई, टक्कर हो गई, ए की कार और बी के स्कूटर में टक्कर हो गई। तो ए ने बी को क्या कहा कि तुम कोर्ट या पुलिस स्टेशन मत जाओ, मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे जो भी रिपेयरिंग चार्ज है वो पे कर दूंगा। अब यहाँ पे इसके डेफिनेशंस पे आ जाइए कि इसमें एक पर्सन दूसरे को कहता है, क्या कहता है, वो अपनी इच्छा बताता है कि मुझे ये काम करना है। इसने यहाँ पे इसको क्या कहा कि मुझे अपनी कार क्या है, बेचनी है, या फिर क्या करता है वो, उसको रोकता है कुछ करने से। यहाँ पे ए बी को क्या करने से रोक रहा है, कोर्ट में केस करने से रख रहा है। दोबारा समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए अपनी इच्छा बता रहा है, क्या करने के लिए, अपनी कार बेचने के लिए, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, किसके लिए, कोर्ट में केस नहीं करने के लिए। ऐसा वो क्यों कर रहा है, वो चाहता है कि जो भी ऑफरी है उसकी सहमति हो, इसीलिए तो ऑफर दिया होगा, जब हमें पता है कि वो मना कर देगा तो फिर ऑफर नहीं दिया जाता है। तो इस क्या उसका उद्देश्य क्या रहता है, जो ऑफर देता है उसका उद्देश्य यही रहता है कि जो मैंने ऑफर दिया है वो क्या है, एक्सेप्ट हो जाए, उस पर ऑफरी की सहमति मिल जाए। जो एक्ट है, कार बेचने वाला, एब्स्टिनेंस है, कोर्ट में केस नहीं करने वाला, तो इसको ही प्रपोजल कहते हैं। तो प्रपोजल में क्या हुआ कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है, अब उसको कहता है, अपनी इच्छा बताता है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, या फिर तुमको ये काम नहीं करना है, और क्या कहता है, और वो क्यों कहता है, क्योंकि उसको क्या लेनी है, सामने वाले से सहमति लेनी है, तो इसी को प्रपोजल कहते हैं। तो ये तो किस प्रकार का हो गया, ये तो पॉजिटिव प्रपोजल या ऑफर हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव प्रपोजल या ऑफर हो गया। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि प्रपोजल या ऑफर क्या होता है। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के प्रपोजल या ऑफर्स होते हैं। ऑफर्स और प्रपोजल्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं, बहुत ही इजी है, एग्जांपल्स पे ध्यान देना, बहुत इजी समझ में आ जाएगा, 5 मिनट में आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहले जनरल ऑफर, जनरल ऑफर क्या होता है, राहुल का क्या है कि एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था, टॉमी, टॉमी होता है ना कुत्ते का नाम, भाई और भी कुछ हो सकता है, जो भी था, तो इन्होंने, इनका क्या है, खो गया टॉमी, तो इन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर में कह दिया कि जो भी इसको ढूंढ के लाएगा, बहुत महंगा था भाई, उसका जिगर का टुकड़ा था, तो इन्होंने क्या कहा कि उसको क्या देंगे, 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है, ये सब क्या कर सकते हैं, इनमें कोई भी है ना जो उस डॉग को सर्च कर सकता है,
तो इसमें क्या वाई ने सर्च किया, वाई सर्च करके राहुल को ला के दिया, तो राहुल को क्या करना पड़ेगा, उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज होता है, मतलब बहुत ही न्यूज़पेपर में है तो बहुत सारे लोगों के पास होगा, ठीक है। इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करने के बाद में जो भी उसमें कहा गया है, जैसे इसमें क्या कहा गया था कि डोंग को ढूंढना है, तो वो एक्ट को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो ये जनरल ऑफर, जनरल मतलब सभी के लिए, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड स्पेशल ऑफर, नाम ही क्या है स्पेशल, जैसे राम ने श्याम को कहा है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ 10 लाख रुपए में, तो इसमें क्या होगा, केवल श्याम ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे रमेश है, सुरेश है, महेश है, ये कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफर स्पेशल ऑफर में क्या होगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, वो ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर क्या है दिया गया है। जैसे यहाँ पे किसको दिया गया है, शाम को दिया गया है, तो शाम ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशल ऑफर, जिस स्पेशल पर्सन को कहा गया वो ही एक्सेप्ट करेगा। तीसरा आइडेंटिकल ऑफर या क्रॉस ऑफर। आइडेंटिकल नाम से समझ में आ रहा है कि कैसा होगा, सेम ऑफर होगा, या फिर क्रॉस ऑफर मतलब सामने वाले ने भी, और एग्जाम्पल से समझते हैं इसके लिए ज़्यादा वो ज़रूरी है। ए ने बी को कहा, मेल किया कि मुझे अपनी कार बेचनी है 2 लाख रुपए में, और बी ने उसी टाइम पे है ना व्हाट्सएप के थ्रू क्या किया, ए को कहा कि मुझे तुम्हारी कार खरीदनी है ए जो भी है 2 लाख रुपए में। ए ने बी को कहा, मेल भेजा कि 2 लाख रुपए में मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, और बी ने क्या कहा ए को, किसके द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में। तो ये क्रॉस ऑफर हो गया, इसने जो इसको ऑफर दिया, इसने भी इसको ये ही ऑफर दिया, इसको आइडेंटिकल। तो इसमें क्या हुआ कि ए ने बी को बोला तो बी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बी ने ए को बोला तो ए एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये आगे जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको और समझ में आ जाएगा। वहाँ एक प्रिस्क्राइब्ड मोड की भी बात की गई है कि जैसे इसने जीमेल से भेजा, तो अगर ये जीमेल से ही एक्सेप्ट करता, ये मैसेंजर से एक्सेप्ट करेगा, तो वो नहीं माना जाएगा, वो आगे की बात है। यहाँ इतना समझ लीजिए कि आइडेंटिकल ऑफर और क्रॉस ऑफर में क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया है, लेकिन उसका क्या है, मोड ऑफ, जो भी जो उसका मोड है वो क्या है, डिफरेंट है। चौथा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है, इसमें जो मॉडिफिकेशन हो जाता है इन ओरिजिनल ऑफर, जो ओरिजिनल ऑफर होता है उसमें क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ए ने बी को कहा कि मुझे अपना फोन 20,000 में बेचना है, क्या तू लेगा, तो बी ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लूंगा भाई मैं। तो बी ने क्या कहा कि 10,000 में दे रहा है क्या ये फोन, बी ने ए को क्या कहा कि 10,000 रुपये में दे रहा है क्या ये फोन, ए ने क्या है एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। इसमें ओरिजिनल ऑफर तो ये था, लेकिन ये बी ने रिजेक्ट कर दिया और नया ऑफर दिया, जिसमें क्या हुआ, ए के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेशल ऑफर जिसको दिया है वो ऑफर करेगा, आइडेंटिकल ऑफर, क्रॉस ऑफर, सेम ऑफर दोनों की तरफ से आया है लेकिन डिफरेंट मोड से आया, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया और नया ऑफर बना है। स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर, जैसे टेंडर्स बुलाते हैं किसी चीज के लिए, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा टेंडर आता है, तो वो ओपन होता है सबके लिए, कोई भी आके है ना जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोटेशन खुलेगा जिसमें सबकी मिनिमम, जिसकी मिनिमम बिड होगी वो क्या होगा, वो उस ऑफर को, उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लेगा। लास्ट है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर आप कंडक्ट के द्वारा, काम के द्वारा पता चलता है कि इम्प्लाइड है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे आप पहुंचे, तो वहाँ पे कूली खड़ा है, वो आपका, उसने आपका सामान उठा के और वो चलने लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कंडक्ट किया है। अब वो जहाँ आपको
टैक्सी है वहाँ छोड़ देगा या जहाँ आपको जाना है वहाँ पे वो आपका सामान रख देगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंडक्ट के द्वारा उसने ऑफ़र दिया था, आप उसे मना कर दो तो ऑफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर वो आपने कह दिया कि, अगर आपने वहाँ पे कहा नहीं, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो आया उठा के चल दिया, अगर आप वहाँ पे मना कर देंगे तो फिर तो ऑफ़र ख़त्म ही हो गया। एक्सप्रेस ऑफ़र, ये जो वर्ड्स या रिटर्न में, अगर वर्ड्स में कहा जाए या फिर लिखा हुआ रहे वो एक्सप्रेस ऑफर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इसकी बात कर चुके हैं अपन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उन सब की अपन बात कर चुके हैं। तो इस तरह ये छह तरह के क्या होते हैं, ऑफ़र होते हैं, जनरल ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, आइडेंटिकल ऑफ़र, ओपन ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र। जो ये फर्स्ट एंड फाइव है, जनरल ऑफ़र और स्टैंडिंग ऑफ़र, ठीक है, इन दोनों को क्या है, इन दोनों को कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं। ये समझ में आएगा आपको, छह ऑफर किस तरह के होते हैं। एक चीज होती है इनविटेशन टू ऑफर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इनविटेशन टू ऑफर क्या ऑफर है, नहीं, इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ऑफर नहीं है। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे मीनू कार्ड है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपके पास किसी ने मीनू कार्ड लाके दिया, तो वो आपको ऑफ़र नहीं कर रहा है, वो आपको इनविटेशन दे रहा है कि आप उसको ऑफ़र दो, ठीक है। टिकट बुक करते हैं हम किसी भी साइट से, आप जाओ टिकट बुक करते हैं, तो हमें वो हमें ऑफ़र देता है कि हमें इनवाइट करना है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, किस डेट से किस डेट के बीच में जाना है, बाई एयर जाना है, बाई ट्रेन जाना है। और जैसे ऑक्शन होता है, ऑक्शन में भी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनको ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप बोली लगाइए, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको क्या होगा, जो भी वो ऑक्शन है वो जीत लेगा। तो इसमें क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र, सबसे पहली बात तो ये ऑफ़र नहीं है। इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है, ऑफ़र नहीं है। इसमें ऑफ़र क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, रेदर देन मैक ऑफ़र। ऑफ़र आपको दिया नहीं जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप ऑफर लाइए, ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो ये हमारी क्या है, ऑफर की पूरी तरह से बात हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें एक्सेप्टेंस, क्योंकि ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट किया, तभी तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। ऑफर के बाद अब चलते हैं एक्सेप्टेंस की ओर, कि जो ऑफर दिया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या रूल है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेशन कौन देगा जिसको ऑफर दिया गया है। ये स्पेशल ऑफर की बात की गई है यहाँ पे, कि स्पेशल ऑफर में क्या हुआ था, राम ने श्याम को क्या किया था, ऑफर दिया था कि मुझे अपना घर बेचना है, तो वो एक्सेप्ट कौन करेगा जिसको ऑफर दिया है। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेप्टेंस कैसा होता है, तो ये एब्सल्यूट होता है, जिसको अनकंडीशनल कह सकते हैं या अनक्वालिफाइड कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ए ने बी को कहा कि मैं अपनी जो कार है वो 200,000 में बेच रहा हूँ, तुम लोगे, तो बी ने क्या कहा कि तुम मेरी बाइक ले लो 50,000 में, तो मेरी बाइक 50,000 में ले लो और 1.5 लाख रुपए में तुम्हें केस दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन आ गई क्या कि तुम मेरी बाइक लोगे तब मैं तुम्हारी कार लूँगा, तो इसको क्या नहीं कहेंगे अपन, इसको एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। किसी ने आपको ऑफ़र भेजा है, जैसे राम ने सीता को ऑफ़र भेजा था शादी का, तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगी, वो अपना जवाब नहीं देगी कि हाँ है या ना है, हाँ है या ना है, तो पता कैसे चलेगा। तो एक्सेप्टेंस को क्या है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मोड में, जैसे
आपको ऑफर आया है ईमेल पे किसी चीज़ को खरीदने का, तो आपको जवाब ईमेल पे देना है। आपको व्हाट्सएप पे आया, आपको व्हाट्सएप पे देना है। आपको मैसेंजर पे आया, मैसेंजर पे देना है। जिस मोड पे आपको ऑफर आया है उसी मोड पे आपको क्या है रिप्लाई करना है, तभी उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। टाइम ऑफर में अगर टाइम दिया हुआ है कि 10 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस देनी है, तो अगर उसमें आपको एक्सेप्ट दी तो ही कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो रीजनेबल टाइम में। राम ने सीता को कहा कि विल यू मैरी मी, अब उसने ऑफर जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया तो राम जी ने किसी और से शादी कर ली। तो रीजनेबल टाइम के अंदर क्या होना चाहिए, जो एक्सेप्टेंस है वो होनी चाहिए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर साइलेंट है कोई तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तीन लोग हैं, एक ऋतिक है, एक अक्षय है और एक रामू काका है। तो ऋतिक ने क्या कहा अक्षय को, कहा कि मुझे है ना जो तुम्हारा घोड़ा खरीदना है, आई वॉन्ट टू परचेज योवर हॉर्स, ठीक है। तो एन ने क्या कहा, अक्षय ने कहा, अक्षय ने क्या कहा, अक्षय ने कुछ कहा ही नहीं। अक्षय क्या रहा, एकदम साइलेंट रहा। पर अक्षय ने अपने रामू काको को कह दिया है कि जो ऋतिक रोशन है वो ऋतिक है, वो मेरा फ्रेंड है, तो ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, उसको आप उसके लिए रिजर्व रख दीजिए। लेकिन रामू काका ने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो अब ऋतिक क्या करेगा, ऋतिक क्या एप पे अक्षय कुमार पे केस कर सकता है? अगर वो केस भी करेगा तो भी वो सक्सीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षय कुमार क्या थे, साइलेंट थे। यहाँ पे साइलेंट थे, इसका मतलब है कि साइलेंट को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे ऋतिक अक्षय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मैं हूँ। मैंने क्या किया कि जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से क्या है मैगज़ीन लेना शुरू किया एक साल के लिए। मैंने क्या टाइम्स ऑफ इंडिया से मैगज़ीन मंगवाना शुरू किया एक साल के लिए। एक साल के बाद भी क्या है, मैंने उसको अपना पेमेंट कर दिया, लेकिन मैगज़ीन आती रही। मैगज़ीन आ रही है, 5 साल हो गए, 5 साल से मेरे पास मैगज़ीन आई जा रही है, कोई बिल नहीं आ रहा है। 5 साल के बाद क्या हुआ, मेरे पास बिल आया तो मैंने मना कर दिया। मैंने क्या कहा, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मैं साइलेंट था तो क्या मैंने एक्सेप्ट किया, तो क्या मैंने ठीक किया? तो यहाँ पे क्या है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट क्या कहेगा, मुझे बिल पे करने के लिए कहेगा। तो अब इस और इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पे भी साइलेंट था, यहाँ पे भी मैं साइलेंट था, मैंने एक साल के लिए कहा था लेकिन फिर भी मैगजीन्स आए जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने एक साल मैगजीन पढ़ी है, ये इस टाइम पे मैंने क्या है, एक साल जब मैगजीन आ रही थी तो मैं क्या है कि एक्सेप्ट कर रहा था उस मैगजीन को। तो उसी एक्सेप्टेंस को क्या है, एविडेंस माना जाएगा कि मैं इस मैगजीन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। और यहाँ पे साइलेंस को क्या है, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन ये कब कंडीशन है, जब जो मेरा प्रीवियस कंडक्ट है, जब इससे पहले जो एक साल की बात है वो एविडेंस है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा था, तब इसको क्या है, साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन जनरल केस में साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इस केस में क्यों माना जा रहा है, क्योंकि मेरे प्रीवियस कंडक्ट के आधार पे, क्योंकि इससे पहले 4 साल मेरे पास मैगजीन आई, उसके 1 साल पहले तक मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा था। तो ये थोड़ा समझ लेना कि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्टेंस दी, ये बात गलत है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पढ़ा अपन ने, क्या होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, होता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को अपन प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, या इसमें क्या हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेज भी हो सकते हैं। तो प्रॉमिस और एग्रीमेंट क्या है, एक ही चीज कही जा सकती है।
एक्सेप्टेंस तो आपको समझ में आया होगा, एक्सेप्टेंस अगर आपने ऑफर भेजा और वो अगर एक्सेप्ट हुआ तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की, जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सबसे पहले ऑफर के कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ए क्या है, ऑफरी है जो कि मुंबई में रहता है। बी क्या है, ए क्या है, सॉरी ऑफरी नहीं, ऑफरर है, इसने क्या है ऑफर दिया है। और ये बी क्या है, ऑफरी है, ये जयपुर में रहता है, ये मुंबई में रहता है। तो ए ने बी को क्या ऑफर दिया है कि मुझे अपना जो फ्लैट है मुंबई वाला वो 50 लाख में बेचना है। और इसने ये ऑफर किसके द्वारा दिया, लेटर लिखा और लेटर को स्पीड पोस्ट में डाल दिया, जो अपने पुराने कम्युनिकेशन के माध्यम हुआ करते थे। 14 मार्च को ये इसने लेटर डाला, तो ये इसको रिसीव हो गया बी को कब, 17 मार्च को। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये बी के पास पहुंच गया सैम, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू वूम इट इज मेड। तो ए ने किसको लिखा था, बी को, इसकी नॉलेज में कब आ गया, 17 तारीख को इसने खोल के पढ़ लिया, तो ये ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया। आ गया समझ में। अगर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस की, तो सेक्शन 3 है। अगर कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, चाहे ऑफर की हो चाहे एक्सेप्टेंस की हो, तो सेक्शन 4 है। ठीक है, इजी है। अब एक्सेप्टेंस वाला कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। इसमें दो कंडीशन है कि एक तो ऑफरर के लिए ऑफरी का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ऑफरी के लिए ऑफरर का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगा। केस यही है, बी के पास लेटर पहुंच गया, अब ऑफर हो गया, बी क्या करेगा, बी ने क्या किया कि इसको क्या है एक्सेप्ट कर लिया और कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में इसको डाल दिया, जो इसके जो जिससे ये क्या विड्रॉ नहीं कर सकता। इसने लेटर लिखा, अपन पोस्ट की बात कर रहे हैं, पोस्ट में इसने लेटर लिखा और उसी जो लाल बॉक्स होता है स्पीड पोस्ट का, पहले हुआ करता था ना एक लाल कलर का ऐसे डब्बा सा बहुत बड़ा, तो इसने इसके थ्रू भेजा था, इसने वापस क्या कर दिया, बी ने उसमें डाल दिया। तो बी क्या उससे निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, तो बी का क्या हो गया, बी का एक्सेप्टेंस हो गया ए के लिए, बी का ए के लिए एक्सेप्टेंस हो गया। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ईमेल है ईमेल भेज दिया, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप कर दिया, तो ईमेल भेज दिया तो ये डिलीट कर भी देगा तो क्या हुआ, ए के पास तो पहुंच गया, व्हाट्सएप भेज दिया अब ये डिलीट कर देगा तो भी क्या हुआ, अगर इसके पास पहुंच गया तो पहुंच गया, अब तो कंसेप्ट आ गया डिलीट का, नॉर्मल की नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। तो बी का ए के खिलाफ क्या हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। और ए का बी के खिलाफ कब हो गया, जब ये है ना जो ए की नॉलेज में आ गया, ये 17 मार्च को था। अब ये बी ने क्या किया, ये एक्सेप्ट करके 19 मार्च को उस पोस्ट ऑफिस वाले लाल डब्बे में डाल दिया, तो बी का ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। और ए ने ये 21 मार्च को पढ़ लिया, तो ए का क्या है बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे देख सकते हैं कि रणबीर कपूर ने क्या किया, रणबीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को क्या शादी का प्रस्ताव भेजा, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसके लिए इसको लेटर लिख दिया कि मैं राजी हूं, तो दीपिका का रणबीर के लिए क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। और जब रणबीर ने ये लेटर पढ़ लिया तो रणबीर का दीपिका के लिए भी क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफरर के खिलाफ कब, ऑफरर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा और ऑफरी के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। अब इसमें हम सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 में क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कब किया जा सकता है, उसको कैंसिल कब किया जा सकता है, तो वो एक बार यहीं पे समझ लेते हैं। बी का ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया, जब बी ने क्या कर दिया, लेटर को डाल दिया। जब बी ने लेटर को पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल दिया तब उसका ए के लिए क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। तो जब बी ने लेटर नहीं डाला हो, बी ने जब लेटर नहीं डाला हो उसके पहले क्या कर सकता है, बी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और ए कब कर सकता है,
ए कब कर सकता है? ए का कब हुआ था? जब बी का लेटर इसके नॉलेज में आया था। तो ए कब कर सकता है? चलो इसको आगे ही समझते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको आगे आराम से समझते हैं। इसको मैंने एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट की हेल्प से और इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार रिवोकेशन समझ लीजिए, वो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट स्लाइड में था ना वही दोबारा लिखा है, उसी पे समझ लीजिए कि रिवोकेशन ऑफर का और एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होगा फोर में है, कम्युनिकेशन थर्ड में है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? फोर में है। इसका रिवोकेशन मतलब इसको कब कैंसिल किया जा सकता है? सेक्शन पाँच में है। तो ऑफर कब कैंसिल किया जा सकता है? तो ए ने है ना जो बी को लिखा था लेटर स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो अगर उसने स्पीड पोस्ट के बॉक्स में डाल दिया तो बी के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बी के पास पहुंचेगा, बी के पास पहुंचेगा, इसके नॉलेज में आया, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। पढ़ाया ना अपने लास्ट में, पढ़ाया ना हमने, इसने इसमें लेटर डाला, बी के पास पहुंचा, इसकी नॉलेज में हुआ, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ ना। तो ए ऑफर का रिवोक कब कर सकता है? ए कब कर सकता है? पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स का जो डब्बा है उसमें लेटर डालने से पहले क्या कर सकता है वो, मतलब उसने लेटर लिखा लेकिन डाला नहीं, ईमेल लिखा भेजा नहीं, व्हाट्सएप टाइप किया लेकिन सेंड नहीं किया, तो इनके पहले क्या हो सकता है? ऑफर का रिवोकेशन हो। एक बार उसने मेल टाइप करके भेज दिया तो फिर तो क्या हो गया? फिर तो ऑफर पहुंच ही गया उसके पास में। तो रिवोक कब होगा? जब इसके पास पहुंचा नहीं है, जब कंप्लीट होता है उसके लिए उल्टा। एक्सेप्टेंस, जब बी ने लेटर डाल दिया था पोस्ट ऑफिस में तो ए के खिलाफ उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था, ए के लिए उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था, तो ए कब रिवोक कर सकता है? इसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने, बी ने ट्रांसमिशन में लेटर डाला ना, जो उसने पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला उसके पहले ए क्या कर सकता है? एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। और बी कब कर सकता है? ये जब ए की नॉलेज में आए उससे पहले बी क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। इसमें समझना यही है कि रिवोक कब होगा? इसके पास पहुंचा ना उससे पहले, इसके इसके लिए कब कंप्लीट होगा? उससे पहले। इसके लिए कब कंप्लीट होगा? बी के लिए, ए के लिए कब हो रहा? जब इसने लेटर डाल दिया तो इसके खिलाफ, तो लेटर डालने से पहले ए कभी भी रिवोक कर सकता है और ए की नॉलेज में आने से पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता है। इसका एक है ना जो चार्ट बना देता हूँ मैं, बड़ी ईजिली समझ में आ जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन समझना। अब इसको कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो मेरे मित्र हैं, कलीग्स हैं, या जो भी आप कहो जूनियर्स है और अदर ऑफिसेज हैं, बहुत सारे लोगों का उस पर भी मैसेज आता है, यूट्यूब पे भी मैसेज आता है, वो क्या पूछते हैं कि सर हम आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाला तो है ही नहीं ना। कॉमर्स वाले लोगों को ऐसे लगता है कि कॉमर्स वाले के लिए तो सब कुछ ईजी है, वो तो सब कुछ पढ़ के आया। भाई कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाला डायरेक्ट डबल ए बन के आएगा, वो ऑडिटर बन के आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो 3 साल से डबल ए के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ईजी है पेपर पास करना। अब ये लोगों का क्या सवाल है कि सर जो कॉमर्शियल का पेपर है ना वो बहुत हार्ड आता है, क्या पास कर लेंगे क्या? अरे भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉमर्स वाला जो भी कैंडिडेट आया है उसने क्या पढ़ा होगा? उसने अकाउंट्स पढ़ ली होगी, कॉस्टिंग पढ़ ली होगी, और क्या पढ़ा है? और हमारे कॉमर्शियल में ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जो उसने पढ़ा हो, तो हमें क्या करना है? उससे 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है हमें? डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ेगा, वो तो आपको वैसे भी सीखना है। अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर बन जाते हैं, चलिए ऑडिट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाते हैं, आप ऑडिट पे जाएंगे तो अकाउंट्स ऑडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन है क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें सीखना ही है। तो ये मन में कभी शंका रखना ही मत कि मैं आर्ट से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं कॉमर्शियल का पेपर पास कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा। कहते सिविल का पेपर ईजी आता है, कॉमर्शियल का बहुत हार्ड आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी को देखो पहले, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो किसी भी टॉपिक को, है ना, जो चाहे कम पढ़ो पर अच्छी तरह से पढ़ो। जो भी अभी मैंने जो आपको पढ़ाया
पढ़ा आपने पूरा समझ में आया, ऐसे नहीं है कि एक्ट तो मैंने 8-10 बार एक्ट पढ़ दिए, समझ में मेरे कुछ आया ही नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है समझ में सब ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो, और ये है ना जो मतलब दिमाग में रखो ही मत कि हम आर्ट्स वाले हैं साइंस वाले हैं, कॉमर्शियल का पेपर नहीं निकल सकता है, बहुत आसानी से निकल सकता है। मैं भी साइंस वाला हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त भी, मेरे जो साथ के जितने भी बैच वाले हैं वो सब साइंस आर्ट्स वाले ही हैं, सबने 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट सबने निकाल दिया पेपर, तो आप भी निकाल पाओगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको लाना है, आपको खुद को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हम ये पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। याद आ गया ये अभी, इसकी बात बहुत चलती है, बहुत लोग इसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने कहा वो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये रणबीर है, ये दीपिका है, ऑफरर ऑफरी, इसको प्रपोजर कहेंगे, इसको एक्सेप्टर कहेंगे, इसको प्रोमिसर कहेंगे, इसको प्रोमिसी कहेंगे। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों भी एक ही चीज़ है। ये रणबीर के लिए तीनों शब्द है, दीपिका के लिए तीनों शब्द है। अब ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है, जब वो दीपिका की नॉलेज में आ गया। रणबीर ने क्या किया कि लेटर डाला बॉक्स में, दीपिका की नॉलेज में आ गया, तो ऑफर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। रिवोकेशन कब होगा, जब इसने लेटर डालने से पहले, रणबीर ने पोस्ट बॉक्स में लेटर नहीं डाला तो क्या है ऑफर क्या है कैंसिल हो पाएगा। अगर डाल दिया तो फिर ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, तो जब है ना जो दीपिका ने है ना जो क्या कर दिया, रिप्लाई डाल दिया कि हाँ मैं राजी हूँ, तो रणबीर के लिए उसका क्या हो गया, ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। और जब है ना जो रणबीर के नॉलेज में आ गई, रणबीर की नॉलेज में आ गई कि दीपिका ने लेटर डाला है, वो रणबीर की नॉलेज में आ गया, तो दीपिका के लिए रणबीर की क्या हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। अब रिवोकेशन कब किया जा सकता है, इसने लेटर डाला उसके पहले रिवोकेट कर सकता है, इसने दीपिका ने लेटर डाला उसके पहले रणवीर के एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, रिवोकेट कर सकता है। और ये रणवीर के पहुंचने से पहले दीपिका इसको क्या कर सकती है, रिवोकेट कर सकती है। समझ में आया, बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं, बहुत चीज़ बहुत इजी है। किसके पास पहुंचा, पहुंचने से पहले उसको रिवोक कर सकते हैं, पहुंचने से पहले रिवोक कर सकते हैं, पहुंचने से पहले रिवोक कर सकते हैं। अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप समझेंगे ना तो मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ऐसा मत सोचना है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट, लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सब इजी है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब इसमें डेफिनेशंस में तो क्या होते हैं, सेक्शंस है, सेक्शंस के बारे में कौन पूछेगा, सबको पता है 2ABCD, इसको कौन पूछता है। अब सेक्शन 2H, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स्ड बाय लॉ। ठीक है, अब सबसे एक काम करते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस समझ लेते हैं, उससे भी क्या है कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम। पांच डिफरेंस है, देखो एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, इसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट अगर एनफोर्स्ड हो जाए लॉ से तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम वाइडर रेंज में यूज करते हैं, मतलब सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी फ्रेंडली एग्रीमेंट हो, इन सब में हम इसका क्या है यूज करते हैं। जबकि इसका किसमें, लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, तो इसका नैरो सेंस में यूज करते हैं, जहाँ पे लीगेलिटी है वहाँ पे ये है, और इसको वाइडर सेंस में यूज करते हैं। इसके अलावा हाँ, इसको वाइडर रेंज में लीगल प्लस सोशल एग्रीमेंट के लिए, इसको नैरो रेंज में केवल लीगल एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो
उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन होती है क्या? लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं होती है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि क्या आ गया? लॉ आ गया यहाँ पे, यहाँ पे लॉ आ गया, इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन होगी। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जबकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉ है, एग्रीमेंट में लॉ नहीं है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जो सभी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसके टाइप्स हैं और फ्री कंसेंट है इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और आप इसको पढ़ना बार बार, समझने की कोशिश करना, और कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करना, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।